गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके हिंदी विषय की पहली कविता पथ मेरा आलोकित कर दूँ पाठ की व्याख्या बताऊंगी, जो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने अपने हृदय की अज्ञानता का अंधकार ज्ञान के प्रकाश से दूर करने की प्रार्थना करता है। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, इस कविता के माध्यम से कवि ने ईश्वर से प्रार्थना करता है और बोलता है कि हे प्रभु, पथ मेरा आलोकित कर दो, मेरा जीवन पथ है, उसको आप इस तरह से रोशनमय कर दो जिस तरीके से रात का अंधकार नई सुबह की नई किरणों से अंधकार मिट जाता है, उसी तरीके से मेरे ओर का तम हर दो, उसी तरह से मेरे हृदय में जो अज्ञानता का अंधकार छुपा हुआ है उसे आप ज्ञान के प्रकाश से हर लो, यानी मिटा दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा भीख विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ, पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो। इस कविता के माध्यम से जो कवि है ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, एक मैं नन्हा सा पथिक विश्व के, मैं एक नन्हा सा राहगीर हूँ जो आपके बनाए हुए इस संसार के मार्ग पर अभी अभी चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा भी एक विश्व के, मैं एक नन्हा सा पक्षी हूँ जो इस विश्व के आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ, बहुत सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो। हे ईश्वर, मेरा जो जीवन का निश्चित लक्ष्य है मैं उसे प्राप्त कर सकूँ, और उसे प्राप्त करने के लिए हे प्रभु मुझे ऐसे पग दो पर दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊँ, धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय भर दो। हे प्रभु, पाया जग से जितना अब तक, वो फिर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में रहकर इस धरती माँ से, इस संसार से जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, सीखा है, मेरी यही इच्छा है कि मुझे आप ऐसा वर दें कि मैं जब इस धरती से वापस जाऊं, यहां से वापस जाऊं, तो मैं इस धरती से वो सारा सब कुछ और अधिक से अधिक लौटा कर जाऊं, धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय भर दो। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि इस धरती को मैं स्वर्ग बना दूं, ऐसा मुझे मंगलमय भर दो, ऐसी मेरे ऊपर आप कृपा करें। हे बच्चों, तो अभी आपने इस पथ मेरा आलोकित कर दो की व्याख्या सुनी और समझी। थैंक यू, हैव ए नाइस।